अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ दही बल्ले, बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल से। आसान रेसिपी हमारी आज की, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मैंने आसान और मज़ेदार है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ दही बल्ले, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी मेरी आज की है। मैं सिर्फ इन इंग्रेडिएंट के साथ बनाने जा रही हूँ। ये मैंने ली हैं पकौड़ियाँ, तकरीबन मैंने एक प्याली पकौड़ियाँ जो मैंने नीम गर्म पानी से भिगो ली हैं। ये आलू हैं हमारे पास आधा किलो, जो मैंने बारीक कट कर लिए हैं। ये मैंने चटनी बनाई है पुदीना, हरा धनिया और सब्ज़ मिर्च की, इसको ग्राइंड कर लिया है, चाहे आप कुंडी में भी कूट सकती हैं। ये प्याज है मेरे पास एक अदद और टमाटर एक अदद। ये दही हमने लिया है आधा किलो। और मेरे पास सबसे आसान चीज़ जो ये मसाला मिक्स अक्सर रेडियो पे अमरूद वाले चाट वाले वो जो बेचते हैं ना डाल के, मैंने ये ऐसे रखा होता है मसाला, फिर मैं इसके दही भले सिर्फ जस्ट ये डालती हूँ। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं बनाना। हाँ जी, सबसे पहले हम दही डालेंगे इसमें, इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे। ये बिल्कुल फ्रेश दही है, ठीक है, आपने फ्रेश लेना है ताकि इसकी खटियाई जो है बिल्कुल ना हो इसके अंदर। ये देखें, ठीक है, हमने इसको अच्छी तरह से कर लिया। अब मैं इसके अंदर ग्रीन चटनी डालूंगी जो मैंने बनाई थी। ये अब अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये मसाला ऐड करने जा रही हूँ, टेबल स्पून डालूंगी, ठीक है, भर के। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा हमारा ये। अगर आप भी, आप हंसवे जायका भी डाल सकती हैं। हाँ जी, अब मैं इसके अंदर ये टमाटर और प्याज भी डाल रही हूँ। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान मेथड से मैंने आपके लिए बनाई है ये रेसिपी। कोई चाट मसाला, कोई ये वो मसाले, कुछ ऐसा नहीं है। चलें जी, अब हम इसे डिश आउट करने जा रहे हैं।